हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपाल कृष्णा है और मैं AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं या वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप अपने कंपनी के लिए वेबसाइट बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग और उसके एडवांटेजेस को। सबसे पहले समझते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो किसी भी डिवाइस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने कंटेंट की अरेंजमेंट को चेंज कर सके, अपने डिज़ाइन को बदल सके। ऐसे वेबसाइट HTML, CSS और JavaScript के यूज़ करके बनाई जाती है। तो आइए जानते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पहला एडवांटेज है इनक्रीज इन मोबाइल ट्रैफिक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के डेट में हर चीज़ मोबाइल पर ज़्यादा सर्च होती है, यानी कस्टमर जो हैं आपके वो मोबाइल पे ज़्यादा हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप का यूज़ कम हो गया है। तो ऐसे कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपके वेबसाइट का मोबाइल के हिसाब से डिज़ाइन होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग का की पॉइंट ही है मोबाइल, यानी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने समय हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मोबाइल पर। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अगला एडवांटेज है लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको अलग से वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेस्कटॉप वेबसाइट या जो वेबसाइट आप बनाने की सोच रहे हैं उसी को रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको दो अलग अलग वेबसाइट पे ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कई कंपनीज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ना बनवा कर अपनी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन बनवाती हैं। इसकी कॉस्टिंग उन्हें ज़्यादा पड़ता है या फिर वो मोबाइल ऐप बनाते हैं, इसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको इन दो चीज़ों से बचाता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अगला एडवांटेज है इंक्रीज इन सर्च इंजन विजिबिलिटी। मतलब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन्स गूगल बिंग ये सब पे ज़्यादा विजिबल होंगी। इसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न है कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। गूगल या कोई भी सर्च इंजन ऐसे वेबसाइट को मोबाइल सर्च में ज़्यादा रैंकिंग देता है जो मोबाइल फ्रेंडली हो। गूगल ने तो मोबाइल इंडेक्सिंग भी शुरू कर दी है। अगला एडवांटेज होता है इसका ये कि आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट का चांसेस कम हो जाता है। आपकी कंपनी का अगर एक मोबाइल वेबसाइट हो और एक डेस्कटॉप वेबसाइट हो तो दोनों जगह तो लगभग एक जैसे कंटेंट है, तो सर्च इंजन आपको पिनलाइज करते हैं कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है और आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अगला एडवांटेज है बेटर UI, UX एंड फास्ट लोडिंग वेबसाइट। जब से मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथों में आया है तब से लोग बहुत ही कम टाइम बिताना चाहते किसी भी एक चीज़ को देखते हुए। तो अगर वो आपकी वेबसाइट को खोल रहे हैं और आपकी वेबसाइट जल्दी ना खुले तो आपका कस्टमर किसी और वेबसाइट यानी कंपटीटर के वेबसाइट पे जा सकता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपके वेबसाइट को बड़े फास्ट डिज़ाइन करते हैं, यानी आपकी वेबसाइट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगला, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चूंकि मोबाइल डेस्कटॉप और टैबलेट को अलग अलग फोकस करता है, यानी बनाते समय मोबाइल को ध्यान में रखा जाता है, टैबलेट को ध्यान में रखा जाता है, डेस्कटॉप को ध्यान में रखा जाता है, तो इसका UI मतलब लुक एंड फील बहुत अच्छा होता है हर डिवाइस पे। UX मतलब यूज़र उसको यूज़ करते समय कितना आसान तरीके से अपने रिजल्ट्स को अपने गोल को पूरा कर पाता है वो भी अच्छा रहता है। आपको किसी खास एक्शन के लिए उस वेबसाइट के मोबाइल वर्जन से डेस्कटॉप वर्जन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप किसी वेबसाइट पे कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और आपने नोटिस किया होगा कि मोबाइल पे वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपको उसके लिए वेबसाइट बोलता है कि हमारे डेस्कटॉप वर्जन पे जाइए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है, आप हर एक्शन यहाँ सेम डिवाइस पे कंप्लीट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक मेजर एडवांटेज है लोअर बाउंस रेट एंड हायर कन्वर्जन। बाउंस रेट का मतलब होता है कि कस्टमर आपके वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो विदाउट आपके वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस एक से ज़्यादा पेजेस को देखे बगैर आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चले जाए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते समय हम इन चीज़ों का बड़े बारीकी से ध्यान रखते हैं कि वेबसाइट का लुक फील डिज़ाइन अच्छा दिखे ताकि कस्टमर हमारी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ करे। चूँकि बाउंस रेट कम हो रहा है तो आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा, मतलब जो आपका कस्टमर जिस प्रोसेस के लिए आया था वो पूरा करके जाएगा।
रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग का अगला एडवांटेज है ईजियर एनालिटिक। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप वेबसाइट है, एक मोबाइल वेबसाइट है, तो आपको दो दो एनालिटिक स्टडी करना पड़ेगा अपने वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में आपके पास एक ही एनालिटिक होगा जिसको आप स्टडी करके अपने वेबसाइट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कितना इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर आपको ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो आप जुड़े AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन से। थैंक यू।